इस साल यानी 2020 में अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ये कड़ा फैसला लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार यात्रा बीते दिन यानी 21 जुलाई से शुरू होनी थी, जो कि अब नहीं होगी, लेकिन परंपरागत तौर पर सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। बता दें कि दशनामी अखाड़ा के महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में 3 अगस्त को छड़ी मुबारक निकाली जाएगी। बाबा बर्फानी की छड़ी मुबारक इस साल पारंपरिक पहलगाम मार्ग से नहीं जाएगी, क्योंकि उस मार्ग को अभी तक बर्फ की वजह से साफ नहीं किया जा सका। इसीलिए छड़ी मुबारक को महंत दशनामी अखाड़ा के नेतृत्व में कुछ साधु संतों के साथ हेलीकॉप्टर से गुफा तक ले जाया जाएगा, ताकि यात्रा को पूर्ण किया जा सके और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बाबा बर्फानी की पूजन प्रक्रिया पूरी हो सके। रक्षाबंधन के दिन छड़ी पूजन के साथ अंतिम दर्शन किए जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार छड़ी मुबारक 2 अलग अलग छड़ियां हैं, जिसमें से एक बड़ी छड़ी है और दूसरी छोटी छड़ी है। दोनों अलग अलग धातुओं से और चांदी के मिश्रण से बनी है। इन छड़ियों को भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रतीक के रूप में श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन गुफा में स्थापित कर पूजा जाता है। दोनों ही छड़ियां यात्रा पूरी होने के बाद दोबारा दशनामी अखाड़ा के आश्रम में वापस आ जाती है। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दें कि इस साल ये तीर्थयात्रा 23 जून को प्रारंभ किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी तिथि 21 जुलाई को कर दी गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में कोरोना के संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है, इसलिए प्रशासन ने यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।